गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग, उपचुनाव के लिए मतदान जारी। तो बीजेपी और एसपी में मुख्य मुकाबला, ईवीएम में कैद हो जाएंगी सभी प्रत्याशियों की किस्मत। 391,426 मतदाता डालेंगे। चुनाव मैदान में कुल 7 प्रत्याशी, कुल 441 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग, उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बीजेपी और एसपी में मुख्य मुकाबला, ईवीएम में कैद हो जाएगी सभी प्रत्याशियों की किस्मत। 391,426 मतदाता डालेंगे वोट। चुनाव मैदान में कुल 7 प्रत्याशी, कुल 441 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान। सीधा मुकाबला इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है। अमन गिरी जो कि अरविंद गिरी के बेटे हैं, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। वहीं विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और सीधा मुकाबला इन दोनों में देखने को मिल रहा है। तो सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने मतदान किया, मतदान केंद्र पर पहुंचकर डाला वोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में विनय तिवारी ने मतदान किया है और उन्होंने वोट डाला है और लगातार वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विनय तिवारी बूथ पर पहुंचे थे और इससे पहले अगर हम बात करें, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अमन गिरी, वो मतदान से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आए। तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं विनय तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी वोट डालने पहुंचे हैं। अमन गिरी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अरविंद गिरी उनके पिता के निधन के बाद उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और चुनाव मैदान में अगर हम बात करें तो कुल 7 प्रत्याशी इस वक्त हैं, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच देखा जा रहा है। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। निखिल आपके पास आएंगे, लगातार हर एक अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। क्या मतदान का प्रतिशत अभी तक पता चल पाया, रोजाना है? देखिए मतदान प्रतिशत अभी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से मतदान देखने को मिल रहा है गोकर्ण सीट पर, वो साफ जा रहा है कि मतदान बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। सुबह के वक्त थोड़ी तेजी जरूर दिखाई पड़ी थी, लेकिन उसके बाद अब जो मतदान की रफ्तार है वो काफी कम है पूरी सीट की अगर हम बात करें, लगभग हर बूथ पर। लेकिन जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनका दावा है कि इस बार बहुमत से फिर उनको जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे थोड़ी देर पहले हमने बात की, तो उन्होंने दावा किया है कि इस बार उनको और बड़ा जनमत मिलेगा, जितना उनके पिता को मिलता था उससे ज्यादा उनको जनता इस बार वोट देगी। तो दोनों पार्टियों के लोग जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के जो लोग हैं उनको उनका दावा है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन अभी जो जनता है उसका मूड जो है वो किस तरफ जा रहा है इसका बहुत आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मतदान की गति है वो काफी धीमी दिखाई पड़ रही है। तो मतदाता को तय करना है कि प्रत्याशी कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और जो यहाँ लखीमपुर खीरी की जो गुंकड़ सीट है इसका अगला विधायक कौन होगा। तो अभी मतदाताओं में उतना रुझान नहीं दिख रहा, हालांकि जरूर माना जा रहा है कि अब से थोड़े देर बाद लगभग 10 बजे से जो वोटिंग प्रतिशत है वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो मतदाता है वो घरों से निकलेंगे, चूंकि छुट्टी का माहौल है तो लोग थोड़ा आराम से सुबह के वक्त निकलते हैं, और खास करके ऐसे में जब उपचुनाव होता है तो लोगों को इस बात का अंदाजा होता है कि जो है जो मतदान का रुझान वो किस तरफ जाएगा, लिहाजा वो थोड़ी रफ्तार कम रखते हैं। तो अभी जो है पोलिंग बूथों पर उतनी भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है, हालांकि जरूर है कि दोनों प्रत्याशी पोलिंग बूथों का दौरा कर रहे हैं और जो मतदाता है उनसे अपील कर रहे हैं कि तेजी से मतदान करें। जी बिल्कुल, तो लगातार जो है मतदान जारी है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निखिल अगर हम देखें तो सीधा मुकाबला यहां पर, हालांकि प्रत्याशी और भी हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं अगर मतदान का प्रतिशत कम रहता है शाम होने तक तो आंकड़े बदल भी सकते हैं। नहीं देखिए, अभी जो जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा लखीमपुर खीरी ऐसा इलाका है कि यहाँ सुबह के वक्त ठंड अभी ज्यादा है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो थोड़ा आराम से सुबह के वक्त निकल रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद
जो भीड़ है वो बहुत तेजी से मतदान केंद्रों पर दिखाई पड़ेगी। दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि ये उपचुनाव है, तो उपचुनाव में हर बार मत प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं होता, उतना उत्साह कम से कम मतदाताओं में देखने को नहीं मिलता है। और जिस तरह का मुहिम पूरे प्रदेश में या देश में चलती है जब कोई चुनाव होता है, तो वो कम से कम इस तरह के उपचुनाव में देखने को नहीं मिलती है। यही वजह कि मतदान प्रतिशत अभी कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे 10 बजे के आसपास का समय होगा, मतदाता बहुत तेजी से पोलिंग बूथ पर पहुंचेगा और मतदान करेगा। तो इसका बहुत असर चुनाव पर तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूर कह सकता है कि पोलिंग परसेंटेज पर जाएगा। जी बिल्कुल, पोलिंग प्रतिशत पर इसका फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा। और अगर हम देखें निखिल, तो युवा मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं निर्धारक बनते हैं हमेशा से। अगर हम पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो क्या जो अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था वैसा ही उत्साह नजर आ रहा है युवाओं में भी? नहीं, निश्चित तौर पर ये उपचुनाव है तो उतना उत्साह तो कम से कम मतदाताओं में नहीं दिख रहा, लेकिन ये जरूर है कि जब मैंने मतदाताओं से बात की तो उनका मूड क्या है इसका एक अंदाजा मिलता है। दरअसल आज का जो मतदाता है वो चाहता है कि उनके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का विकास हो, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जनता का यही इस बार दिखाई पड़ रहा। तो लोग अपने अपने स्तर से मतदान कर रहे हैं, उनके दिमाग में मतदान करने की वजह भी है, लेकिन जहां तक मैंने ज्यादातर लोगों से बात की, सभी चाहते हैं कि गोला का और तेजी से विकास हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि गोला का विकास पहले से हुआ, तो और तेजी से विकास हो, यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ का यानी छोटा रूप कहा जाता है या छोटा काशी कहा जाता है, इसके जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है उसका कॉरिडोर बने, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता जो है वो मतदान कर रही है, और उसका रुझान किस तरफ है ये तो जब 2 दिन बाद जब मतगणना होगी तो साफ हो जाएगा। जी निखिल, के आपके आसपास कुछ मतदाता मौजूद हैं जिनसे बात की जा सके? अभी थोड़ा सा मतदाताओं से बात करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो वहां पर मतदान केंद्र था वहां तक लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है इसलिए जो है हम लोगों को मतदान केंद्र से बाहर खड़ा कर दिया गया है, तो यहां पर मतदाताओं की संख्या कम है। थोड़ी तस्वीरों के जरिए हम जरूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो मतदाता है वो जो है मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं, तो उनको मतदान जो मत प्रतिशत की जो अंदाजा हम लोग लगा रहे थे वो ये लग रहा है कि धीरे धीरे जब समय आएगा तो बढ़ जाएगा मतदान प्रतिशत, लेकिन अभी जो स्थिति है वो मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो मतदाता है उसमें उतना रुझान जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद निखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। गोकला गोकर्णनाथ से बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी का दावा है कि जनता पिछली बार से अधिक समर्थन देने के लिए तैयार है, एसपी को जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो चुका है, हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी जी हैं। कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए थे आज, तो जनता को फैसला करना है कि उनका विधायक कौन होगा? जनता ने अपना निर्णय ले चुके हैं, उन्होंने मन बना चुका है, कमल का बटन दब रहा है, कमल खिल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बहुत प्रचार किया है, वो भी लोग गोला के विकास को लेकर जनता के बीच में गए हैं। देखिए, गोला की जनता बहुत अच्छे से जानती है किसने विकास करा है किसने नहीं करा है, और कौन सिर्फ भ्रम और बरगलाने का काम करता है। और ये सिर्फ मैंने नहीं कहा है या फिर हमारे साथियों ने नहीं कहा है, जनता ने खुद ही पिताजी को नाम दिया था विकास पुरुष का, तो वो बखूबी जानती है विकास पुरुष कौन थे, विकास किसने कराया है। ठीक है, तो जिस तरह से जनता से आप मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत पकड़ पहले की तरह रखेगी और भी जटिल तरीके से? ठीक है, तो अमन गिरी का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत मजबूती के साथ प्रचार किया है, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर वो आगे बढ़ रही है। खुद अमन गिरी ने भी विकास की बात की है गोला की, और यही वजह है कि जनता उनके साथ खड़ी हुई है, और समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव की तरह इस बार बिहार का सामना करना पड़ेगा। लखीमपुर से वीडियो सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। चलिए तो रुकते हैं कुछ पलों के लिए, लगातार खबरें जारी हैं।